हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हम लोग पढ़ना प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमारे आठ लेक्चर हो चुके हैं। आठों लेक्चर में हम लोगों ने प्रोनाउन का हर एक तरीके से यूज़ समझा, और उसके पार्ट तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में ख़त्म कर दिए। हम लोग पढ़ना प्रोनाउन, और प्रोनाउन का आज हम लोग सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। समझ लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन एक तरीके से सबसे टेक्निकल टॉपिक होता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन जिसको समझ में आ गया, वो समझ लीजिए कि मतलब वो प्रोनाउन उसके लिए आसान बात है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, मैंने पहले बोला था कि थोड़ा सा तैयार होकर आइएगा, कॉन्सेंट्रेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको पढ़ने के लिए फिर कैसे ये काम करता है, क्या करता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। कंसंट्रेट रहिए, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो मत देखिए ये वीडियो, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं उसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, लेकिन तो भी है बड़ा चैप्टर, तो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है। ये वीडियो भी बड़ी होगी, तो इसको अगर जो आप चाहें तो दो पार्टों में डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा, क्योंकि मुझको एक ही वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन ख़त्म करना है। तो आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो मैंने समझा रखा है रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या, जब प्रोनाउन का हम लोग पार्ट समझ रहे थे, तो इसमें मैंने समझा रखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन दो या दो से अधिक क्लॉज को जोड़ता है, एक तरह से कंजंक्शन का काम भी करता है, और दूसरी तरीके से वो क्या काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है। जैसे समझिए रिलेटिव प्रोनाउन, वहाँ पे मैंने बहुत डीप में नहीं समझाया था, बस मैंने समझा दिया था। जैसे मैंने बोला कि राम इट्स एंड लिसन सॉन्ग, इट्स फूड, यहाँ पे फूड कर लीजिएगा, इट्स फूड एंड लिसन सॉन्ग, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इट्स फूड एंड लिसन सॉन्ग, इट्स फूड एंड लिसन सॉन्ग, मैंने ये लिखा है, मैंने ये सेंटेंस लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्लॉज हैं, कौन कौन से क्लॉज हैं। पहला क्लॉज ये है कि राम इट्स फूड, पहला क्लॉज क्या है, राम इट्स फूड, राम क्या खाना खाता है। दूसरा क्लॉज क्या है, लिसन सॉन्ग्स, इसके लिए ये जो राम है, ये जो प्रोनाउन है, उसको दोनों ही क्लॉज में कॉमन मान लिया गया है। इस नाउन को दोनों ही क्लॉज में क्या मान लिया गया है, कॉमन मान लिया गया है, राम इट्स फूड एंड लिसन सॉन्ग। यहाँ पे ये होना चाहिए था राम इट्स फूड एंड राम लिसन सॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग राम राम दो बार लिखते, तो इसके लिए हम लोगों ने एक बार राम लिखा और इन दोनों ही क्लॉज में उसको कॉमन मान लिया, या फिर ये लिख सकते हैं राम इट्स फूड एंड ही लिसन सॉन्ग, एंड ही लिसन सॉन्ग, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे राम और उसकी जगह ये प्रोनाउन ही आ गया। अब इन दोनों ही क्लॉज को, ये जो क्लॉज है और ये जो क्लॉज है, दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, इन दोनों क्लॉज को आपस में रिलेट कौन कर रहा है, एंड। तो ये कंजंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कंजंक्शन। ये मैंने फर्स्ट क्लास में जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने समझाया था, ये क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। अगर यही कंजंक्शन प्रोनाउन का काम करने लग जाता, अगर जो कंजंक्शन हम लोग यूज किए हैं, अगर जो कोई ऐसा कंजंक्शन होता जो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करता, तो वो क्या कहलाता, रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बस सेंटेंस को जोड़ने का, ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। एक क्लॉज ये राम इट्स फूड, दूसरा क्लॉज ही लिसन सॉन्ग, इसको और इस क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो ये कंजंक्शन बस है, लेकिन मैं ये लिख देता यहीं पे, ही नोज द बॉय हु सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। अब मैंने ये एक सेंटेंस लिख दिया, अब इस सेंटेंस में भी दो क्लॉज है, पहला क्लॉज ही नोज द बॉय, वह लड़के को जानता है, दूसरा क्लॉज कौन सा,
सिंग्स ए सॉन्ग, जो गाना गाता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, ही नोज द बॉय, वन लड़के को जानता है पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज सिंग्स अ सॉन्ग, जो गाना गाता है। यहाँ पे इस सेंटेंस को जोड़ने का काम हु कर रहा है, यहाँ पे इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है। अब यहाँ पे जो हु कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे हु एक तरीके से प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए। ध्यान से समझिए मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ही नोज द बॉय, वह बॉय को जानता है, किस लड़के को, हु, जो, हु का मतलब जो, हु हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरीके से नहीं यूज होता है कि कौन खाया कौन मारा, हु का मतलब जो भी होता है। तो वह लड़के को जानता है, किस लड़के को, जो, हु मतलब जो गाना गाता है, हु मतलब कि हु क्या है, ये एक बॉय, द बॉय की जगह, बॉय की रिप्लेसमेंट में यूज हुआ है। वह लड़के को जानता है, किस लड़के को, अब इसी लड़के की जगह हम लोगों ने, अब जब इस लड़के के बारे में बात करना शुरू किया तो इसी लड़के के हम लोगों ने बताया कि हु कौन, वह लड़के को जानता है, किस लड़के को, अब इसी लड़के की जगह हम लोगों ने किया जो, मतलब कि वो लड़का जो गाना गाता है। तो ये जो हु है ये ना इस बॉय की जगह यूज हुआ है, ठीक है। तो जब ये बॉय की जगह यूज हुआ है तो ये बॉय क्या है, नाउन, और नाउन की जगह जो यूज होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। दूसरी चीज, यही प्रोनाउन इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का भी काम कर रहा है। दो क्लॉज कैसे, यहाँ पे एक वर्ब, यहाँ पे एक वर्ब, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ब और यहाँ पे एक वर्ब, दोनों ही वर्ब को जोड़ने का। देखिए दो तरीके के वर्ब होते हैं, मैं वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लॉज कैसे पहचानते हैं कि दो क्लॉज हैं, अलग अलग क्लॉज हैं, ये मैं वहाँ पे बहुत ही डिफिनेट, मतलब लेकिन बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बस इतना जानिए, ये एक क्या हुआ वर्ब और ये एक वर्ब, तो इसका मतलब कि दो क्लॉज है। दो क्लॉज में ये क्या हो गया, दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु, और हु ये बॉय की जगह आया है, बॉय के लिए आया हु, मतलब कि ये प्रोनाउन भी और जोड़ने का भी काम कर रहा है, तो ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों कंजंक्शन को जोड़ने का भी काम कर रहा है, और ये हु इस बॉय की जगह, मतलब कि जो नाउन की जगह था वो प्रोनाउन, तो ये हु इस बॉय की जगह यूज हुआ है, बॉय के लिए यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन भी है, तो जोड़ भी रहा है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आया, देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन दो कंजंक्शन को जोड़ता है और एक नाउन के लिए भी यूज होता है। ध्यान से समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो दो कंजंक्शन को आपस में जोड़ता है और एडिशनल एक काम वो करता है कि वो नाउन के लिए यूज हुआ होता है। यहाँ पे जो हु यूज हुआ है ये इस बॉय के लिए यूज हुआ है, ही नोज द बॉय, वह लड़के को जानता है, किस लड़के को, जो, अब लड़के के बारे में ही बताया जा रहा है, लड़के की जगह ही हु यूज हुआ है, जो गाना गाता है। तो ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया, और ये इन दोनों का क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन एक प्रोनाउन की तरह भी बिहेव कर रहा है जो कि बॉय की जगह आया हुआ है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। अगर मैं इसको थोड़ा और डीप में समझाऊं, और अच्छे से समझाऊं, तो ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है, अगर जो इसमें अब इसको लिखवाया नहीं जा सकता, जैसे मैं इसको समझा ही सकता हूं, ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे लिखना वो आप डिसाइड कीजिए। जैसे मैंने बोला, अब इसी सेंटेंस को मैं दो क्लॉज में, दो सेंटेंस में तोड़कर लिख रहा हूं, ही नोज द बॉय डॉट द बॉय द बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, मैंने ये दो सेंटेंस लिखे, ही नोज द बॉय सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहां पे मैंने लिखा है कि वह लड़के को जानता है, लड़का गाना गाता है, दो मैंने सेंटेंस लिखे थे, वह लड़के को जानता है लड़का, वह लड़का गाना गाता है, मैंने ये सेंटेंस लिखा है, वह लड़के को जानता है फर्स्ट सेंटेंस, और वह लड़का गाना गाता है सेकेंड सेंटेंस, ठीक है, सेकेंड सेंटेंस। अब इन्हीं दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया है, ये उसका स्ट्रक्चर बना के, क्या स्ट्रक्चर बनाया गया, ही नोज द बॉय, देखिए सेम है, ही नोज द बॉय, अब इस बॉय द बॉय की जगह जब आप एक ही सेंटेंस में दो नाउन यूज करते हो तो वो गलत होता है। जैसे देखिए मैंने बोला राम, जैसे मैंने लिखा राम प्लेज क्रिकेट,
एंड, फिर आप राम नहीं लिख सकते, फिर आप ये नहीं लिख सकते राम प्लेस क्रिकेट एंड राम ईट्स फूड, आप ये नहीं लिख सकते राम प्लेस क्रिकेट एंड राम ईट्स फूड। एक ही सेंटेंस में दो नाउन नहीं यूज करते, बल्कि फर्स्ट टाइम नाउन यूज करते हैं और उसके बाद जब भी हमें इस नाउन की आवश्यकता पड़ती है तो एक प्रोनाउन यूज किया जाता है उसी की जगह, इसीलिए तो प्रोनाउन बनाया गया ही। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे राम प्लेस क्रिकेट एंड ही ईट्स फूड, ठीक है, एंड ही ईट्स फूड। यहाँ पे देखिए हमने एक बार नाउन यूज कर लिया, आगे हमें जब भी इस नाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर जो हम लोग नाउन ही यूज करते रहते तो फिर प्रोनाउन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन प्रोनाउन बनाया इसीलिए गया कि बार बार नाउन की रिपीटेशन को रोका जा सके। तो यहाँ पे राम प्लेस क्रिकेट एंड राम नहीं लिखेंगे, बल्कि इस राम की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे ही इट्स फूड, ठीक है, समझ में आया प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन, सॉरी, अब समझ में आया कि हम लोग ही क्यों यूज करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा ही नोज द बॉय, ही नोज द बॉय, ठीक है। अब आगे हमें दी बॉय ही नहीं लिखना था, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है और इसी सेंटेंस में बार बार वही नाउन यूज कर रहे हैं, तो उस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन बनाया हुआ है। तो इसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, हु क्यों चूज किया, ही क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि ही दो क्लॉज को जोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि हु जो है ये प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, दो क्लॉज को जोड़ने का भी काम करता है। तो हमने लिखा ही नोज द बॉय, अब दी बॉय की जगह हु और आगे सेम चीज सिंग्स अ सॉन्ग, समझ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, क्यों, और कंजंक्शन इससे हट के कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज इसी रिलेटिव प्रोनाउन में समझने वाली बात है, देखिए अभी तक शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि एडजेक्टिव बस वर्ड होता है, जैसे एडजेक्टिव बस वर्ड होता है, अभी तक आप लोगों ने शायद ये पढ़ा हो रूल कि जैसे लिखा है ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, तो यहाँ पे जो गुड होता है, यहाँ पे जो गुड मैंने लिखा है ये गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि ये एक बॉय है और बॉय एक नाउन है और नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है गुड, गुड तो फिर जो नाउन के बारे में वो डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, ऐसे ही आपको भी सोचना है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये की बात याद रखिए कि एडजेक्टिव बस एक वर्ड का नहीं बल्कि एक क्लॉज का भी हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, कई क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं जो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जब हम लोग वर्ड वाला एडजेक्टिव यूज करते हैं, एक वर्ड का जब एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम लोग नाउन के पहले उसे यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज यूज करते हैं तो उसको नाउन के बाद यूज करते हैं। दूसरी चीज़ नोट करने वाली, जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज लगाया गया है उस नाउन के आगे आर्टिकल दी का प्रयोग करना कंपलसरी होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज लगाया जाता है उस नाउन के आगे आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। देखिए अब आप समझिए कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है कैसे, अब आप ये समझिए कि एडजेक्टिव क्लॉज इसमें है कैसे या है भी कि नहीं है, ये अब आपको समझना। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैंने बताया क्या है एडजेक्टिव होता क्या है, मैंने एडजेक्टिव जब भी बताया तो मैंने एक बात उसमें बार बार बोला है कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़, कोई वर्ड हो, फ्रेज हो, सेंटेंस हो, क्लॉज हो, कोई भी चीज़ अगर किसी भी तरीके से नाउन को डिफाइन कर रहा है तो वही कहलाता है एडजेक्टिव। अब वो बात की बात है कि वो एडजेक्टिव वर्ड है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से नाउन को डिफाइन कर रहा है या नाउन के बारे में बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ही नोज द बॉय, वह उस लड़के को जानता है, किस लड़के को, अब उस लड़के के बारे में बताने के लिए, उस लड़के के बारे में बताने के लिए क्या ये जो क्लॉज है Who sings a song? देखिए यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान से समझिए, मैं इरेज कर रहा था इसलिए थोड़ा सा फ्लो टूट गया, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैंने लिखा ही नोज द बॉय हु सिंग्स अ सॉन्ग, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ है ही नोज द बॉय, वह लड़के को जानता है, किस लड़के को, अब इस लड़के को डिफाइन करने के लिए ये क्लॉज यूज किया गया है कि जो गाना गाता है उसी लड़के को यह जानता है,
ही जो है वो उसी लड़के को जानता है जो गाना गाता है। तो इस लड़के के बारे में क्या ये क्लॉज डिफाइन कर रहा है? इसी लड़के के बारे में ये बता रहा है ना कि वह गाना गाता है। कौन गाना गाता भाई? बॉय। तो बॉय के बारे में ये पूरा क्लॉज इसकी बारे में बताने लगा, बॉय के बारे में ये पूरा का पूरा एक क्लॉज बताने लगा कि ही नोज द बॉय। कौन सा लड़का? जो लड़का गाना गाता है। देखिए आप क्वेश्चन पूछे आंसर आएगा, वह लड़के को जानता है, किस लड़के को जानता है? अब उसको, इस लड़के को डिफाइन करने के लिए ये पूरा क्लॉज लिखा गया है कि जो गाना गाता है। तो जब ये, अब ये लड़का क्या है? ये एक लड़का क्या है? ये एक नाउन है। अब इस नाउन को ये पूरा क्लॉज बता रहा है, इस नाउन को ये पूरा क्लॉज बता रहा है। तो ये क्या हो गया? जब किसी भी तरीके से नाउन के बारे में कोई चीज़ डिफाइन करे तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ये हो गया एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव है लेकिन ये एक पूरा का पूरा क्लॉज भी तो है, ये एक पूरा का पूरा क्लॉज भी तो है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कई जगह यूज किया जाता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते क्या है। ठीक है, तो ये था एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज मैंने जो नोट करने के लिए बताया, वो पहली चीज बताया कि जब नाउन के पहले अगर जो वर्ड एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो नाउन के पहले करते हैं, पर अगर जो क्लॉज यूज करते हैं तो नाउन के बाद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता हो। दूसरी चीज, कभी भी जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया गया उसके आगे आर्टिकल डी का प्रयोग होना कंपलसरी होता है, आर्टिकल डी का प्रयोग होना कंपलसरी होता है। ये हटा तो क्वेश्चन गलत, तो ये पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आपको मैंने एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव प्रोनाउन समझा दिया। ठीक है, अब लिख लीजिए, अब इसको लिखिए पूरी बात जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ लिखिए, फिर बाद में हम लोग इसको अभी ये समझेंगे। अभी तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन समझाया कि होते क्या हैं कैसे, लेकिन अब हम लोग समझेंगे हु, हुम, हुज का प्रयोग कैसे करते हैं, व्हाट कहाँ यूज होता है, विच कहाँ यूज होता है, डैट कहाँ यूज होता है, ये हम लोग समझेंगे कि कहाँ कैसे यूज किया जाता है। फिलहाल लिखिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, हु विच रिलेटिव प्रोनाउंस, हु विच हु विच डैट व्हाट हुम कॉमा ब्रैकेट में लिखेगा रिलेटिव प्रोनाउंस ब्रैकेट में हु विच कॉमा दे जाएगा डैट व्हाट हुम तथा हुज का प्रयोग, हुम तथा हुज ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हुम तथा हुज ब्रैकेट बंद कीजिए वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं और क्लॉजेज को जोड़ने का भी काम करते हैं, और क्लॉजेज को जोड़ने का भी काम करते हैं। हमें इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इन रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय
करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये लिखिए, ये लिखिए, व्यक्तियों के लिए हु कॉमा हुज रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करना चाहिए। सब्जेक्टिव केस में हूँ, ऑब्जेक्टिव केस में हूँ, और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर अधिकार प्रकट करने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। अब इससे पहले ये जान लीजिए कि हुम होता क्या है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि हुम कहाँ है, हुज कहाँ है, या हु कहाँ यूज करना है। ठीक है, ये तो बता दें सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव यूज होगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव यूज होगा, कि यहाँ पे पजेसिव केस यूज होगा। पजेसिव केस अधिकारी दर्शाता है, तो हुज मैंने लिखा है कि व्यक्ति अथवा वस्तु पर अधिकार प्रकट करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखवाया है वो ये लिखवाया है कि हु के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हु, दूसरा होता है हुम, और तीसरा होता है हुज। ठीक है, हु जो है सब्जेक्टिव केस और कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस, मैंने कभी कभी लिखा है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस में भी काम करता है। हुम जो है बस ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है, और हुज जो है ये पजेसिव केस में काम करता है। ठीक है, तो हुम के तीन पार्ट होते हैं, हु, हुम, हुज, और हु यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, और कभी कभी स्पेशल केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी काम करता है। हु जो है का दूसरा पार्ट होता है हुम, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज भी हमेशा पजेसिव केस में यूज होता है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके यूज कैसे कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, जो अभी अभी मैंने लिखा था, वही सेंटेंस लेके चलते हैं। द बॉय ही नोज द बॉय हु बीट्स हिम। ठीक है, एक सेंटेंस ही है, ही नोज द बॉय हु यू बीट। मैंने ये दो सेंटेंस लिया। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, पहले उसको ध्यान से, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। जिस नाउन के लिए, ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, पहले उसको ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद हम समझाएंगे अच्छे से। जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया जाता है, अगर उस एडजेक्टिव क्लॉज में वो नाउन जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया गया, वही नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो हु का सब्जेक्टिव केस हु लगाते हैं,
और अगर जो उसी एडजेक्टिव क्लॉज में वही नाउन जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया गया है ऑब्जेक्ट का काम करे तो वहां पे हुम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला क्या है, इतना बड़ा गीता का सा, अब ध्यान से समझिए मैंने बोला क्या है। देखिए यहां पे लिखा है ही नोज द बॉय, यहां पे एस छूट गया, ही नोज द बॉय हु बीट्स हिम। ठीक है, हु बीट्स हिम, अब यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे लिखा हुआ है कि वह लड़के को जानता है, किस लड़के को, किस लड़के को, जो हु जो उसको मारता है। तो यहाँ पे मारने का काम कौन कर रहा है, यही लड़का कर रहा है। इस क्लॉज में मारने का काम कौन कर रहा है, यही लड़का कर रहा है। इस क्लॉज में, सेकंड वाले क्लॉज में मारने का काम कौन कर रहा है, यही लड़का कर रहा है। किसे मार रहा है, इसे मार रहा है। ही नोज द बॉय हु बीट्स हिम, वह उस लड़के को जानता है जो इसको मारता है। तो जब एडजेक्टिव क्लॉज, जिस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया जाता है, अगर उस एडजेक्टिव क्लॉज में ये नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे मारने का काम कौन कर रहा है, बॉय, और जो एक्शन करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो मारने का काम यहाँ कौन कर रहा है, बॉय, मारने का काम कौन कर रहा है, बॉय। तो इस बॉय के लिए जो हमें प्रोनाउन यूज करना होगा वो हु यूज होगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा मैंने क्या लिखा था कि जब किसी सेंटेंस में जिस नाउन के लिए ये एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया जाता है, अगर उस एडजेक्टिव क्लॉज में वो नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो हम लोग हुम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हुम यूज करते हैं। अब ध्यान से समझना कैसे, जैसे मैंने लिखा वह उस लड़के को जानता है जिसे तुम मारते हो, जिसे तुम मारते हो। तो यहाँ मारने का काम अब बॉय नहीं बल्कि यू कर रहा है। कौन कर रहा है, यहाँ पे मारने का काम इस क्लॉज में कौन कर रहा है, यू कर रहा है, न कि बॉय कर रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, मारने का काम यू कर रहा है। तो इसकी वजह से अब ये सब्जेक्टिव केस हु का नहीं आ सकता। दूसरी चीज, यहाँ पे मारने का काम यू कर रहा है जो कि एक सब्जेक्ट है, लेकिन मार किसको रहा है, इफेक्ट किस में पड़ रहा है, इसी लड़के पे। ही नोज द बॉय, वो उस लड़के को जानता है जिसे, हुम का मतलब जिसे तुम मारते हो। तो यहाँ पे जो यू बीट कर रहा है, जो यू मार रहा है, वो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हुम पे पड़ रहा है। तो ये जो बॉय पे पड़ रहा है, सॉरी, जो ये लड़का यू जिसको मार रहा है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बॉय पे। और इसी के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना था, तो अब हमें हु का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस क्लॉज में ये बॉय जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यू के किए गए एक्शन का इफेक्ट तो बॉय पे पड़ रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके लिए जब ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम लेंगे। ठीक है, समझा। अब एक हुज भी समझ लेते हैं, आई नो द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। ठीक है, अब मैंने ये एक पूरा सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में भी ध्यान से समझिए, मैंने लिखा है, बार बार मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, हमेशा इसी नाउन के लिए जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुआ है उसी नाउन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोनाउन हु का कौन सा फॉर्म लगेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की पजेसिव। तो अब ध्यान से समझिए, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिता, अब यहाँ पे देखिए इस लड़के के पिता, इस लड़के का अधिकार पिता पे दिखाना था। नेक्स्ट क्लॉज जो है द फादर इज अ थी डॉक्टर, द फादर इज अ डॉक्टर, ये नेक्स्ट क्लॉज है। इस नेक्स्ट क्लॉज में इस नाउन का अधिकार दिखाना था हमें फादर पे, इस फादर पे अधिकार दिखाना था द बॉय नाउन का। तो जब हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमें पजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, हुज फादर। ठीक है, समझ में आया। अब एक एक टेस्ट लेते हैं, ये मैंने बोला है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एक एक मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, अगर जो मैं लिखवाने लग गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, द मैन
द मैन द मैन हुज तीनों मैंने लिखा है, अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। द मैन हुज केम टू मी yesterday was blind। और इस सेंटेंस में हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे, इस पर बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। पहले आप ये बताइए कि इसमें कौन सा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, whom या whose। ठीक है, आप लोग को 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसी 10 सेकंड में बताइए कि यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, टाइम इज ओवर। अब देखिए यहाँ पे अब डिसाइड कौन करेगा, सबसे पहले डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा मैन, क्योंकि हम इन लोगों ने जो ये पूरा यूज किया है, ये यूज किया है किसके लिए, ये एडजेक्टिव क्लॉज जो हु के बाद जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो यूज किया है मैन के लिए। तो अगर इस क्लॉज में मैन काम कर रहा होगा तो हु मैन के ऊपर वर्क हो रहा होगा, मतलब कि कोई और एक्शन कर रहा होगा उस एक्शन का इफेक्ट मैन पड़ रहा होगा तो हु, और अगर जो मैन का अधिकार किसी पर दिखाना होगा तो हुज का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। इस सेंटेंस में लिखा है द मैन आदमी, वह आदमी, अब देखिए केम टू मी मेरे पास आया था, तो आने का काम, ये जो आने का काम मेरे पास आया था, तो आने का काम किसने किया, मैन ने, एक्शन किसने किया, मैन ने, तो मैन ने एक्शन किया, तो मतलब कि नेक्स्ट क्लास में ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो हमें हु का सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हुम भी गलत, हुज भी गलत, हुज इसलिए गलत क्योंकि अधिकार नहीं दिखा रहा है, और इस क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह नहीं काम कर रहा है मैन, तो हुम भी गलत, हु सही है। आगे टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ समझिए, ये जो सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा बार हम लोग पैसिव वॉइस में देखेंगे, जब बहुत बड़ा पैसिव वॉइस होगा तो वाज के बाद तुरंत एक और वाज आता है तो बच्चे समझते हैं यार ये कैसे हो गया, या फिर किसी इज के बाद सॉरी जैसे डबल हेड आपने देखा होगा, ठीक है, नोज के बाद तुरंत नोज आ जाता है, तो यहाँ पे जब दो वर्ब एक साथ आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, और बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब आपने भी यही सोचा होगा जब इस सेंटेंस को पढ़ा होगा, अगर इस सेंटेंस को मैं सही से लिख दूँ तो मैं लिखूँगा द मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, मैंने ये पूरा एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, द मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में दो चीज़ें समझने वाली, पहले तो हु वाला वो समझ लिया आपने, मैन ने ही नेक्स्ट क्लॉज में एक्शन लिया है, मतलब कि सब्जेक्ट की तरफ बिहेव किया है, तो हु मैंने यूज कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्लॉज कैसे छाटेंगे, कैसे पता करेंगे कि एक क्लॉज कौन सा और दूसरा क्लॉज कौन सा है। देखिए, पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि हु केम टू मी यस्टरडे, ये है एक क्लॉज, हु केम टू मी यस्टरडे ये है एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज है द मैन वाज ब्लाइंड, ये है एक क्लॉज, द मैन वाज ब्लाइंड ये है एक क्लॉज। आपने केस इन अपोजिशन पढ़ा है ना उनका, उसी से रिलेट करके मैं आपको समझाऊंगा। केस इन अपोजिशन आप लोगों ने जब पढ़ा था तो वहाँ पे ये वाला एक सेंटेंस देखा होगा, अमिताभ बच्चन द ग्रेट एक्टर इज अ जेनरस मैन। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो यूज हुआ है, जो क्लॉज असली क्लॉज है वो ये है, अमिताभ बच्चन इज अ जेनरस मैन,
अमिताभ बच्चन इज अ जेनरस मैन। अब इस अमिताभ बच्चन को एडिशनल बताने के लिए, इस अमिताभ बच्चन के बारे में एडिशनल ज्ञान देने के लिए एडिशनल बातें बता रहा है कौन? द ग्रेट एक्टर। कौन बता रहा है? द ग्रेट एक्टर। ये क्या है? केस इन अपोजिशन है। ये जो इज यूज हुआ है, ये जो वर्ब निर्धारण होगा वो इसके द्वारा होगा, अमिताभ बच्चन के, न कि इसके द्वारा। वर्ब जो डिसाइड होगा वो इसके द्वारा होगा, इस नाउन के जरिए होगा, न कि इसके द्वारा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बता रहा है। अमिताभ बच्चन कौन? अमिताभ बच्चन भाई ग्रेट एक्टर, एक बहुत बड़ा ग्रेट एक्टर, इज अ जेनरस मैन। अमिताभ बच्चन के बारे में यहाँ बात हुई है, इज अ जेनरस मैन। इसी तरीके से यहाँ पे है द मैन, और एक तरीके से ये केस इन अपोजिशन की तरह आप समझ सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया गया है। द मैन हु केम टू मी, वह आदमी जो मेरे पास आया था वाज ब्लाइंड, अंधा था। तो द मैन वाज ब्लाइंड, अंधा था। कौन सा अंधा? अब देखिए, मैं इसको इसलिए इस केस इन अपोजिशन से रिलेट किया हूँ क्योंकि इसी से जरिए आप समझ सकते हैं। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा? जब आप रीडिंग हैबिट में आओगे, रीडिंग हैबिट में आओगे तो आप पे पॉज लगाना सीखेंगे। जैसे देखिए, इंग्लिश पढ़ने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है पॉज लगाना, कि सेंटेंस को कहाँ ब्रेक करना है दो क्लॉज में, या फिर कहाँ पे हमें रुक के अगला चीज़ समझना है, वो डिपेंड बहुत करता है। रीडिंग जो हैबिट है वो इस पर बहुत डिपेंड करती है। जैसे मैं अगर मैं पढ़ूँ तो इसको मैं पढ़ूँगा द मैन हु केम टू मी वॉज ब्लाइंड, मैंने दो जगह पॉज लिया, द मैन हु केम टू मी वॉज ब्लाइंड, अंधा था। अगर जो पॉज लेने वाला ना हो तो डायरेक्ट पढ़ेगा द मैन हु केम टू मी वॉज ब्लाइंड, एक ही में पढ़ दिया उसको। अब यहाँ पे ये पता चलेगा यस्टरडे वॉज ब्लाइंड। अब अमिताभ बच्चन मैं मिटा दे रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए अच्छे से। अब यहाँ पे अगर जो कोई बच्चा पढ़ेगा जिसको ये पॉज लगाना नहीं आएगा, वो क्या पढ़ेगा? यस्टरडे वॉज ब्लाइंड, तो क्या कल अंधा था? ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। यहाँ पे सेंस जो बनेगा वो द मैन वॉज ब्लाइंड बनेगा। तो ये जो है, एक क्लॉज ये है द मैन वॉज ब्लाइंड, और दूसरा क्लॉज ये है हु केम टू मी यस्टरडे, जो मेरे पास कल आया था। समय तो ये द मैन के बाद जो यूज हुआ है, ये इसका इस क्लॉज का पार्ट नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये केस इन अपोजिशन तरीके से है, एडजेक्टिव क्लॉज है जो द मैन के बारे में बता रहा है। आगे इसका अगला पार्ट जो है वो वॉज ब्लाइंड है, ठीक है? ऐसे दो तीन सेंटेंस हम लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, द मैन द वोमेन हुज, फिर से आपको डिसाइड करना कौन सा लगेगा, हु हुम हुज। यू सा यस्टरडे वॉच वी। अब फिर से आपको डिसाइड करना है कि हु हुम हुज में से क्या लगेगा। आपके पास 10 सेकंड है, फिर से डिसाइड कीजिए, और मैं जो अब आंसर बताऊंगा जिससे मैच कर जा रहा है तो आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक है? टाइम इज ओवर। अब देखिए, यहाँ पे भी ध्यान से समझिए, मैंने जो बताया है अगर आप उसको समझे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मैंने क्या बताया कि आप यहाँ पे ये देखिए कि कौन सा जो ये नाउन यूज हुआ है, नेक्स्ट क्लॉज में अगर जो वो काम कर रहा है, वही वर्क कर रहा है, वही एक्शन कर रहा है तो हु, अगर जो उसके ऊपर एक्शन हो रहा है तो हु, और अगर जो इसी नाउन का अधिकार किसी पे दिखाना है तो हु, ठीक है? समझ में आ गया था ना इतनी बात? अब इसी बात को समझिए ध्यान से। जैसे मैंने लिखा द वोमैन, वो लड़की, वो औरत, कौन सी औरत? यू सा, जिसे तुमने, यू सा तुमने देखा। अब देखने का काम यू कर रहा है, आप अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए, आप बस इस सेंटेंस और इस पे ध्यान दीजिए। औरत यू सा तुमने देखा, देखने का काम अब यहीं पे पता चल गया कि यू ने कर लिया है,
यू ने एक्शन किया है सा, मतलब कि यू ने देखने का एक्शन कर दिया, देखने का काम यू ने कर दिया है, ठीक है। तो यू यहाँ पे देखने का काम कर रहा है, तो यू सब्जेक्टिव प्लेस में, सा देखा, किसे देखा, इसी औरत को देखा ना, तो देखने का इफेक्ट किस पे पड़ा, वोमेन पे। तो जब देखने का इफेक्ट वोमेन पे पड़ा तो वोमेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्लॉज में, नेक्स्ट क्लॉज में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग हु का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव, तो ना हु यूज होगा क्योंकि इस नेक्स्ट क्लॉज में वो काम नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है, ना हु यूज होगा, ना तो इसका कहीं अधिकार दिखाया जा रहा है। हुम यूज होगा क्योंकि नेक्स्ट क्लॉज में जो एक्शन लिया जा रहा है यू के द्वारा, उसका इफेक्ट वोमेन पे पड़ रहा है। समझ में आया? तो ये था, ये समझने का तरीका है। आप पहले पढ़िए द वुमेन, नेक्स्ट क्लॉज में जाइए, वहां देखिए कि काम कौन कर रहा है, वही नाउन जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया गया कि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे के द्वारा किए गए एक्शन का। अगर दूसरे के द्वारा किए गए एक्शन का इफेक्ट उस पर पड़ रहा है तो हुम, अगर यही काम कर रही हो तो हु, ठीक है। और गलती से इसका अधिकार दिखाना है तो हुज, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, उसी क्लॉज को फिर समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा द वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो, अगर इसको मैं सही से लिख दूँ, पहले मैं इसको सही से लिख दूँ, ये भी आपको सिखा समझाना जरूरी है ताकि आपको रीडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। द वुमेन हुम यू सा यस्टरडे वाज वीक, ठीक है, वाज वीक। अब यहाँ पे भी ध्यान से समझिए क्लॉज कैसे डिसाइड करेंगे। पहला क्लॉज द वुमेन, अभी इसके बाद पहली बात तो मैंने, अगर जो आप इसको एक और स्टेज में जाएं अंदर और अच्छे से समझें तो उसको एक और आसानी तरीके से समझाया जा सकता है। वो तरीका क्या है, देखिए पहली बात मैंने बताया कि whom, who और whose रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, मतलब कि दो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे दी वुमेन पहले नाउन आया, उसके तुरंत बाद whom एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो क्या एक रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन और एक क्लॉज को जोड़ता है? नहीं, वो एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है। तो जरूरी इस वुमेन का जो कोई पार्ट है वो कहीं और यूज किया गया है। तो यही देख के आप समझ सकते हैं कि वाज वीक इस वुमेन का वाले का क्लॉज का पार्ट है, इस वुमेन वाले क्लॉज का पार्ट वाज वीक है, ये समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं तो फिर एकदम बेसिक पे आइए। बेसिक पे क्या, द वुमेन whom you saw yesterday, जिसे तुमने देखा था, ये केस इन अपोजिशन की तरह काम कर रहा है, उस औरत के बारे में बता रहा है कि जिसे तुमने देखा था। अब आगे क्या वो, तो भैया जहाँ मान लीजिए मैंने, हाँ वो लड़की जिसे मैंने देखा था क्या क्या हो, तो अब वो पूछेगा ना, हाँ तो उसके बारे में क्या बता रहे थे, तो वो बताया कि वाज वीक, वो कमज़ोर थी। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लॉज है वो ये है, फर्स्ट क्लॉज क्या है, द वुमेन वाज वीक, और नेक्स्ट क्लॉज क्या है, whom you saw yesterday। समझ गया? चलिए एक और देखते हैं, पजेसिव केस वाला। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ समझाया हर चीज़, तो आप भी एफर्ट के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कराइए और बस देखते जाइए। आपको नॉलेज मिल रहा है, मुझे सब्सक्राइबर दे दीजिए। तुम मुझे सब्सक्राइबर दो, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, ठीक है। देखिए दी बॉय, दी बॉय, फिर यहीं पे हु, whom, whose, फादर, फादर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, सिट्स बिसाइड मी, बिसाइड मी। अब देखिए यहाँ पे द बॉय हु, whom, whose फादर इज अ डॉक्टर, सिट्स बिसाइड मी। अब यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना है कि हु लगेगा, whom लगेगा, whose लगेगा, ठीक है। अब डिसाइड कर लीजिए, 10 सेकंड का वक्त है आपका। टाइम इज ओवर। अब देखिए यहाँ पे भी समझिए ध्यान से, मैंने बोला कि वही नाउन डिसाइड करेगा जिस नाउन के लिए नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज लगाएं। तो देखिए क्या लगाएं, द बॉय फादर इज अ डॉक्टर, सिट्स बिसाइड मी, द बॉय
फादर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए फादर क्या है, सब्जेक्ट है कि फादर डॉक्टर होने का काम कर रहा है, डॉक्टर है फादर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि फादर तो कोई एक्शन ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये डॉक्टर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये फादर कौन सा फादर, किसका फादर। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि द बॉयज मतलब कि इस लड़के के पिताजी, तो इस लड़के का अधिकार इस फादर पे दिखाना है। द बॉय आप यहाँ पे लिख सकते थे ना, द बॉयज फादर इज अ डॉक्टर लिख सकते थे, लेकिन हम लोग द बॉयज इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है, द बॉय सिट्स बिसाइड मी। तो आप एक ही नाउन को बार बार नहीं यूज कर सकते हैं, मैंने अभी अभी बताया कि नाउन को बार बार नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस नाउन का अधिकार हमें फादर पे दिखाना है, द बॉय हुज फादर जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, सिट्स बिसाइड मी मेरे बगल में बैठता है, मेरे बगल में बैठता है। बिसाइड का मतलब होता है ये भी एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है बगल में, बगल में। और एक और प्रीपोजिशन होता है बिसाइड्स, इस पे CHSL बहुत पेपर बनाना पसंद करता है, बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है, वो हम लोग प्रीपोजिशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस पे CHSL क्वेश्चन बनाना बहुत पसंद करता है, ठीक है। और तो अब आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, न तो यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट की काम कर रहा है, न तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, बल्कि हमें इस बॉय का पोजेशन दिखाना है फादर पे, तो हमें हु का पोजेसिव केस यूज करना पड़ेगा, हुज, क्या यूज करना पड़ेगा, हुज। तो हु नहीं यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट की तरह नहीं काम कर रहा, हुम भी नहीं क्योंकि किए गए सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा, मतलब कि ऑब्जेक्ट की तरह नहीं काम कर रहा, हुज यूज होगा, क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट, इसका जो अधिकार है हमें फादर पे दिखाना है, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉज अलग करना पड़ेगा, कैसे क्लॉज यूज अलग करना पड़ेगा, द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर अब इसी सिट्स बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठता है, तो द बॉय सिट्स बिसाइड मी हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये था अब इसको मान लेंगे आप केसिन अपोजिशन की तरह मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो है एक क्लॉज है। देखिए अब दूसरी चीज, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। एडजेक्टिव जब भी किसी नाउन को डिफाइन करता है तो उसके जस्ट बाद या पहले यूज होता है, उससे थोड़ा भी दूर नहीं यूज हो सकता। एक रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में कि जब आप किसी वर्ड के द्वारा, किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के द्वारा किसी वर्ड को डिफाइन करते हो या क्वालिफाई कराते हो तो उसके जस्ट बगल में यूज करना होता है, न कि उसके बाद कुछ देर बाद, न तो कुछ पहले, कुछ देर पहले, उसके जस्ट बगल में हमें यूज करना होता है। अगर जो मैं ये सेंटेंस ऐसे लिखता, द बॉय सिट्स बिसाइड मी हुज फादर इज अ डॉक्टर, अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिखा, ये क्लॉज द बॉय सिट्स बिसाइड मी हुज फादर इज अ डॉक्टर, दो क्लॉज दिख गया आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो हुज फादर इज अ डॉक्टर है वो अब मी के लिए यूज होने लगा, यहाँ पे जो ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुआ है वो मी के लिए यूज होने लगा, द बॉय सिट्स बिसाइड मी, अब मेरे पापा एक डॉक्टर है, कोई सेंटेंस बना कि वो लड़का जो मेरे बगल में बैठता है मेरे पापा डॉक्टर है, कोई सेंस आया, नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुआ है वो मी के लिए अब यूज होने लगा। मैंने बताया कि जब किसी क्लॉज या वर्ड के द्वारा किसी नाउन या किसी भी वर्ड को क्वालिफाई कराना होता है तो उसके जस्ट बगल में यूज करना होता है, तो हमने जो ये क्लॉज यूज किया था हुज फादर इज अ डॉक्टर, वो किसके पापा की बात हो रही थी, द बॉय के, तो इसलिए हमें ये एक तरीके से केस इन अपोजिशन टाइप कर लिया और इसको उठा के सिट्स और बॉय के बीच में बना दिया, कर दिया सेट, तो ये सेंटेंस बन गया, द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर सिट्स बिसाइड मी, ठीक है। तो आपको ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है। अब आपको क्लॉज छांटना आ गया, द बॉय
हुज फादर इज डॉक्टर, ये हुज फादर इज डॉक्टर एक क्लॉज, और द बॉय सिट्स बिसाइड मी दूसरा क्लॉज, ठीक है। तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन, बस अभी किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, लिविंग थिंग्स नहीं मतलब कि व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो ये था हु हुम हुज। अब योर बचे विच व्हाट डैट, ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत लंबा क्लास होगा रिलेटिव प्रोनाउन का भी एक पार्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपको क्या करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और लोगों से कहिए कि एक बार सर का वीडियो देखो, या भैया का वीडियो देखो, या बाबू का, जो भी आप समझ सकें, क्योंकि मैं अभी अभी आप की तरह स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।